हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मेरे बर्थडे से रिलेटिव है, मेरे बर्थडे व्लॉग है। आज है 29 जून, 29 जून का मेरा बर्थडे होता है, तो आज का व्लॉग जो प्रॉपर होने वाला है मेरे बर्थडे का ही होने वाला है। बर्थडे तो अभी स्टार्ट होगा, मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को सामान दिखा देती हूँ जो जो मैं डेकोरेशन के लिए लाने वाली हूँ। जो भी आपने शुरू में वीडियो में देखा कि किस तरीके से सेटअप हुआ था, उसका जो जो सामान यूज़ हुआ है, मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ कि क्या क्या डेकोर आइटम मैंने यूज़ करे हैं, किस तरीके से यूज़ करे हैं और क्या है प्रॉपर, किस तरीके से सेटअप करा और क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं प्रॉपर इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको जो दिखाया वो केक स्टैंड था। यहाँ पे मैंने कुछ डेकोर टेप लिए थे, नोट टेप वगैरह लिया था, इसके अलावा बलून्स लिए थे, क्योंकि बलून की जो थीम थी वो पिंक, वाइट, ब्लैक एंड गोल्डन थी। मैंने 4 डिफरेंट बलून का कॉम्बिनेशन करके सेटअप करा था। आप लोगों को सेटअप कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे ब्लैक बलून लिए हैं, वाइट लिए थे, गोल्डन लिए थे और पिंक ली थी। वैसे तो मेरी जो थीम थी वो पिंक एंड वाइट की थी, पर उसमें मैंने थोड़ा सा टचअप दिया था कि गोल्डन का और ब्लैक का कॉम्बिनेशन करके, क्योंकि मेरी टेबल भी ब्लैक थी और 2-3 चीज़ें इस तरीके से मैंने मिक्स करके रूम वगैरह के हिसाब से मिक्स कलर करे थे। और साथ में यहाँ पे था पार्टी प्रॉपर, कुछ फ्लावर्स थे, जो ट्रांसपेरेंट बलून है उसमें डालने के लिए फ्लावर थे, कैंडल्स थी, लाइटें थे। इसके अलावा कैंडल लाइटें जो होते हैं मैंने वो यूज़ करे थे, टेबल डेकोर वगैरह के लिए मैंने ये लिए थे। इसके अलावा बहुत सारे मैंने आइटम करे थे और जो फुल बलून का सेटअप था वो आगे बताऊंगी। यहाँ पे मैंने ब्राइड टू बी के लिए भी थोड़ी सी डेकोरेशन ली थी, उसका इंशाल्लाह अलग से व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि हमने यहाँ पे सरप्राइज़ पार्टी कज़न को भी दी थी मेरी बर्थडे में, कज़न को भी हमने ब्राइड टू बी पार्टी दी थी, तो उसका सेटअप अलग करा था, वो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे बर्थडे ब्राइड की सेट ली थी मैंने, जैसे बताया इसमें मैंने कुछ सादे बलून का टचअप दिया था, कुछ ग्लिटरी थी और कुछ अलग टाइप के बलून थे, कुछ फॉयल थे, यहाँ मिक्स मैच कर रहा था। पहले मैं रेड ले आई थी सेट, फिर मैं वापस पिंक लाई तो ये डबल हो गई थी मेरे पास। इसके अलावा यहाँ पे जो है ना बलून पंप लिया था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बलून फुलाने थे, बड़ा ही टाइम लग जाता है बलून फुलाने में, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बलून जिसके पे मैं बात कर रही थी, ट्रांसपेरेंट बलून में मैंने फ्लावर डाल के डेकोर करा था। यहाँ के पिक्चर लगा दूँगी, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, आगे वीडियो में आप लोगों को दिख जाएगा। फेरी लाइट्स ली थी, फेरी लाइट से एक अलग ही लुक आता है। एलईडी अल्फाबेट मैंने यहाँ पे यूज़ करा था, ये भी बहुत आउट क्लास लगता है जब ये रखा हुआ होता है और टेबल वगैरह पे। बहुत जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करी हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आइटम थे, कुछ एलईडी कैंडल्स वगैरह भी यहाँ पे यूज़ की थी। एलईडी कैंडल मेरे पास पहले से थी, मैंने कहीं से परचेज़ नहीं करी, ये मेरे पास थी, तो मैंने फिर यहाँ पे इसको इस तरीके से डेकोर में यूज़ करा। यहाँ पे प्रिंसेस वाला बलून लिया था, क्राउन वाला और बर्थडे बैनर लिए थे, और पीछे जो कर्टेंस लगते हैं झालर मतलब वो ली थी, और यहाँ पे कुछ पेपर बॉल्स वगैरह और कर्टेंस, और यहाँ पे मैंने ना केक टॉपर लिया था जो मुझसे आते आते ही टूट गया, फिर मैंने उसको जुगाड़ करा, टेप वगैरह से सेट कर लिया। अब ये रात का टाइम है, यहाँ पे मैंने सारे बलून फुला लिए, हम देख सकते हो कितना ज़्यादा मैस हो गया है। यहाँ पे मैंने सारे बलून वगैरह जो है ना रात को ही फुला लिए थे, ताकि सुबह डेकोर में इजी रहे, क्योंकि मुझे सब अकेले ही करना था, तो थोड़ा सा मैस हो जाता है और टाइम भी बहुत कम होता है, जब आपको पता घर में दावत वगैरह हो तो बहुत टाइम चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे बलून रात में ही फुला लिए थे, और यहाँ पर सुबह मैंने जिस रूम में पार्टी थी उस रूम में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए थे, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे सेटअप शुरू कर दिया था, क्योंकि एक हाथ से डेकोर भी करो उस हाथ से वीडियो शूट भी करो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाइन बना ली थी, काफ़ी बड़ी लाइन बनानी थी, इसमें ये जो मैंने लाइन बनाई ये आर्च टेप की हेल्प से बनाई है। अगर आप लोगों को नहीं पता आर्च टेप क्या होता है, तो ये बलून को सेटअप करने में जो बड़े बड़े पार्टी प्लानर, इवेंट प्लानर है, वो यही यूज़ करके ये टेक्निक से बनाते हैं।
तो ये मैंने पूरी लाइन बना ली थी जैसे वीडियो में दिखाया। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कैसे है तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी। फिर यहाँ पे हमने कर्टेंस वगैरह लगा के इसको ना बांध दिया था, क्योंकि जो लाइन बनाई थी इसको हमने पिन रिबिन से पूरा सेट करा था डेंड वगैरह भी, ठीक है, ताकि वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो, गिरे नहीं, ठीक है। इस वजह से हमने इसको डंडे पे सेट करा था रिबिन की मदद से, ठीक है। और ये बहुत क्यूट लग रहा था, ये पूरी लाइन बहुत काफ़ी बड़ी लाइन बनाई थी ये, ताकि मुझे पूरा राउंड चकोर शेप देना था ना, इस वजह से मैंने काफ़ी बड़ी लाइन बनाई थी। ये जो आपकी वॉल है जहाँ पे आप डेकोर कर रहे हो, वहाँ पे उस हिसाब से बनाई जाती है कि कहाँ पे आपको डेकोर करना है, किस तरीके से डेकोर करना है। तो और इसके बाद यहाँ पे मैंने ये फॉइल फुला लिए थे, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भी मेस लग रहा है। और यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट बलून में मैंने फ्लावर भी डाल लिया था। ज़्यादा मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि डेकोर करती है वीडियो बनाती पॉसिबल नहीं था कि डेकोर भी करूँ वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि मेरे स्टैंड भी टूट गया था तो मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा था। इस वजह से मैंने थोड़े थोड़े से क्लिप्स बनाए, जो मैं आपको बना के दिखा पा रही थी वो बना रही थी। वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाई, इसके लिए सो सॉरी। पर जितनी भी बनाई आई होप आप लोग इंजॉय करे होंगे। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, मेरी मेहनत पसंद आए तो लाजमी मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। और ये इतना प्यारा लुक लग रहा था ना, मैं सोचा था कि चार कलर मिक्स होंगे शायद इतना अच्छा ना लगे, पर ये बहुत आउट क्लास लुक लग रहा था, मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया। और यहाँ पे आप आ रही थी केक कटिंग की, आप लोग बताएं मेरा केक कैसा लग रहा है। ये केक भी ना मैंने ऑर्डर भी बनवाया था अराउंड 2000 का, ठीक है, और बहुत प्यार लग रहा था। जैसे मैंने पिक्चर दिखाई थी सेम वैसे ही इन्होंने मुझे बना के दिया।
बहुत प्यारा लुक लग रहा था। अगर आप लोग भी इस टाइप का केक बनवाते हैं तो बहुत अच्छा बनाया था इन्होंने। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर ऐड कर दूंगी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो। बहुत प्यारा लुक लग रहा था केक का। मैं ऐसे ही चाहती थी कि मेकअप वाला केक हो, प्यारा सा, यूनिक सा, तो बहुत आउट क्लास लुक लग रहा था। और यहाँ पे ना मेरी कैंडल भी टूट गई थी, अफसोस, तो उसको मैं सेट कर रही थी वहाँ पे, फिर वो सेट नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो रहने देते हैं। और फ्लावर वाली कैंडल भी ली थी पर वो इस केक पे अच्छी नहीं लग रही थी, तो वो मैंने नई जलाई, टेबल पे रखी हुई थी, वो ऐसे ही रखी थी। वहाँ पे सब कज़न वगैरह बातें वगैरह कर रहे थे, तो इस वजह से मैं यहाँ पे अब वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल समझ आए। और गाने वगैरह भी चल रहे थे, कॉपीराइट क्लेम आ जाता, इसकी वजह से मैंने वॉइस ओवर कर दी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब बारी है केक कटिंग की, तो अभी सब आ जाए तो फिर हम केक कट करते हैं। आप लोगों को मेरा केक कैसा लगा, डेकोरेशन कैसी लगी, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ और अगर कुछ कमी हो तो मुझे वो मिल जाओ तुम, मिल जाए दुनिया और ना कुछ जाऊँ मैं, दूर दूर सब कुछ मेरा। व्यू देखना है और जो भी आपको वीडियो बनना चाहिए मुझे बताना, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि जो आप चाहते हैं वाली वीडियो बन जाए। इतना ही बाकी, अब मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखा देती हूँ कि कज़न्स वगैरह ने क्या गिफ्ट दिए। किसी ने कैश दिया था पर जो थोड़े बहुत गिफ्ट आए हैं मैं वो आप लोगों को शेयर करा देती हूँ। जिसे मैं गिफ्ट दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत प्यार प्यार से गिफ्ट है और सारे ऐसे गिफ्ट है कि मेरे बहुत काम आएंगे। सबसे पहले तो ये मोबाइल कवर है, वैसे भी मेरे मोबाइल का जो कवर है काफ़ी ख़राब हो गया था, तो ये मोबाइल कवर था। और वॉच, वॉचेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा लगता है हाथ में, और ख़ासकर मुझे मैग्नेट वाली वॉच बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे हाथ पे फिट आ जाती है। बाकी जो वॉचेस होती हैं उनकी फिर वो बड़ी होती है, कुछ छोटी होती है, ये इशू आ जाता है, पर मैग्नेट वाली सबको फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे मुझे मिला था ये बहुत प्यारा सा लव वाला नेकलेस, ये भी बहुत आउट क्लास लग रहा था, नाजुक सा, प्यारा सा, अच्छा लग रहा था ये भी। और इसके अलावा मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिली, मैं आप लोगों को शो करती हूँ। एक ये बहुत प्यारा सा ना सेट था, ठीक है, मतलब एयरिंग्स और बिंदिया थी। अभी आगे शादी आ रही है तो वहाँ मैं इसे पेयर अप करूँगी, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके से आगे वाले व्लॉग में। लाजमी है उसके लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स मिलते रहें। आगे काफ़ी सारे यूनिक यूनिक व्लॉग्स आने वाले हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे और काफ़ी मज़ेदार होंगे, तो लाजमी आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें जल्दी जल्दी से। और इसके अलावा ये भी बहुत प्यारे, पूरे इसमें मिरर वर्क हो रखा था। इसके अलावा एक ये नेकलेस मिला था, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इस पर जो है ना आजकल चल रहे हैं ना पत्थर वाले, उस टाइप का था, बहुत प्यारा लग रहा था और मेरा फेवरेट कलर का था। वैसे भी पिंक जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने थीम रखी थी पिंक ही रखी थी। और साथ में एक ये कुर्ती मिली थी, ये भी बहुत आउट क्लास लग रही थी। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक ज़रूर करना और नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, सेटअप मेरा कैसा था और केक कैसा था। और मुझे जल्दी जल्दी से नीचे कमेंट करके बताएं। मिलती अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।